अवस्था अच्छी है तो फिर ये मौत क्यों हो रही है? अब 25 एम्बुलेंस होने के बावजूद एक 9 साल के बच्चे को एम्बुलेंस नहीं मिलता और 3 घंटे में वो एक्सपायर हो जाता है। ड्यूटी रूम में 5-5 दारू की बोतल मिलती है, सिविल सर्जन देखते हैं, जांच होती है, कमेटी बनती है, पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अनूपपुर जिले के प्रभारी मंत्री ने की प्रेस वार्ता, स्वास्थ्य व्यवस्था पर लिया संज्ञान। 16 अगस्त को मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान लाडली बहन श्रवण उत्सव कार्यक्रम के पश्चात रेस्ट हाउस में जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप अहिरवार द्वारा राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल एवं भाजपा जिला अध्यक्ष रामदास पुरी की उपस्थिति में पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें पत्रकारों ने स्वास्थ्य व्यवस्था के संबंध में मुद्दा उठाया, जिसमें प्रमुख रूप से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण न होने वाली घटना घटित हुई है, जिससे पूरे जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था के विरुद्ध भारी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जिस संबंध में प्रभारी मंत्री ने बताया कि मुझे अभी 2 दिन ही हुए हैं, फिर भी मैं इस संबंध में कलेक्टर और जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करके सुधार लाने का प्रयास करूंगा और जल्द ही जिले में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। पत्रकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे के बाद जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप अहिरवार तत्काल ही जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करने पहुंचे और आवश्यक दिशा निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए। व्यवस्था गड़बड़ लगी हो, सब चीजें लग रही थी, सिस्टमेटिक तरीका है, तो अभी मुझे लगता है सब व्यवस्था अच्छी है। बाकी अब आगे जाकर जब जाऊंगा देखूंगा, मुझे लगेगा तो सब व्यवस्था अच्छी है तो फिर ये मौत क्यों हो रही है? मैं तो अभी 2 दिन हुआ है, अगर व्यवस्था आपने बताएंगे तभी तो आप लोगों के साथ में बैठ 25 अवगत कराओगे तभी तो मुझे पता चलेगा। आपके साथ में बैठता नहीं। सवाल दूसरा, 25 एम्बुलेंस होने के बावजूद एक 9 साल के बच्चे को एम्बुलेंस नहीं मिलता और 3 घंटे में वो एक्सपायर हो जाता है। बिल्कुल, आप 3 घंटे में वो बिलासपुर पहुंच सकता था, उसकी जान बच सकती थी, किसी एक पर जिम्मेदारी नहीं हुई। डॉक्टर ड्यूटी रूम में 5-5 दारू की बोतल मिलती है, सिविल सर्जन देखते हैं, जांच होती है, कमेटी बनती है, पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ सिर्फ कमेटियां बनती हैं, कार्रवाई नहीं होती। और अगर सीमेचो साहब से कह दो तो वो कहते हैं कि आप लोग चिंता मत करो, धीरे धीरे आप देखना जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। जो भी इस बच्चे का मामला आया है निश्चित रूप से मैं बात करूंगा अधिकारियों तक, लेटर और कौन क्या कारण है कि अगर उसको एम्बुलेंस नहीं मिल पाए। डायरिया से 4 बैगा की जनजाति के लोग मर जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का अमला ये कहता है कि वो डायरिया नहीं था, लेकिन उनके परिवार के 2 जो एडमिट है उनको डायरिया स्वीकार करता है और जो मरते हैं उनको कहता है डायरिया नहीं है। तो आप तो मैं देखता हूँ, आपने जो बताया तो इसके पहले मेरा सबसे ज्यादा फोकस स्वास्थ्य में रहेगा, स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर। माननीय मंत्री जी, बैगा जनजाति मध्य प्रदेश भारत सरकार की जनजाति है जिसको राष्ट्रपति ने गोद लिया, जिस जाति उनके 3 बच्चे मरते हैं, 3 परिवार के सदस्य खत्म होते हैं और 2 जो एडमिट है उनको कहा जाता है डायरिया से एडमिट है और 3 मरते हैं उनको पता, जिला प्रशासन कहता है कि डायरिया नहीं था, स्वास्थ्य विभाग कहता है डायरिया नहीं था, एक ही परिवार के लोग। अरे आप चिंता मत करिए, स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर। अरे भैया, एक मिनट, जिला चिकित्सालय का आपने निरीक्षण किया, क्या पाया सर? एक लंबे भी है, वहाँ भी निरीक्षण किया, अस्पताल में मैंने जहाँ लगा मुझे कुछ गंदगी कुछ जगह मुझे मिली है, कलेक्टर में भी, कलेक्टर ने भी उनको आदेश किया, मैंने कलेक्टर से भी कहा कि उसको देख रहे हैं आप, निश्चित रूप से नेक्स्ट टाइम जब जो जो चीज़ मैंने बोला है मैंने कहा है, उसमें मुझे व्यवस्था बना के रख